देखिए क्वेश्चन पांच में जो आकृति 6.20 दी है, इस आकृति में डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये डी ई है, ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के बराबर है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल है, और इसी प्रकार से डी एफ और ओ आर ये भी पैरेलल है, ठीक है। जब ये पैरेलल है आपको बताना है कि ई एफ यानी ये वाली जो रेखा है ये क्यू एफ के पैरेलल है। देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर एक आपका ट्राइंगल बनता है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कौन सा, पी ओ क्यू, इसमें क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर ये रेखा है और ये रेखा दोनों पैरेलल है, इसमें डी ई और ओ क्यू पैरेलल दे रखा है, इसमें इसके अंदर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू ये दे रखा है, ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए दोनों की ये दो भुजाएं हैं ये पी ओ और पी क्यू, ये क्या है, प्रोपोर्शनेट है, यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू, इधर आप इसके कारण से पी ई, ये पी ई में अगर आप ई क्यू का भाग देंगे ओके, और इधर जो है पी डी में, पी डी में आप डी ओ का भाग देंगे तो ये बराबर होगी, ये जो है ये रेखा और ये रेखा जो है दोनों प्रोपोर्शनेट होगी, ठीक है, अनुपातिक होगी, समानुपातिक होगी, इसका अनुपात बराबर होगा, यही इसका दोनों इसका और इसका जो अनुपात है वही इसका और इसका अनुपात होगा, ये हमारा फॉर्मूला बना। दूसरा जो ट्राइंगल आपका है वो है पी ओ आर, पी ओ आर यानी ये पी ओ आर, जैसे ये ट्राइंगल पी ओ क्यू था वैसे ही दूसरा ट्राइंगल है पी ओ आर, इसमें भी वही है, इसमें क्या है, ये दोनों डी एफ और क्यू आर, ठीक है, ये देख रहे हैं डी एफ और ओ आर ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल है इसीलिए ये दोनों जो रेखाएं हैं पी ओ यानी पी डी अपॉन पी डी अपॉन डी ओ, ये किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर, ये इसके समानुपात में है, प्रोपोर्शनेट में है, थ्योरी जो है ना बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरी के अनुसार पी डी अपॉन डी ओ इज इन प्रोपोर्शनेट विथ पी एफ अपॉन एफ आर, ओके। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ, तो क्या सीन बनता है, देखिए पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ ये दोनों कॉमन है, ये और ये, यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों बराबर हो गए, यानी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए क्योंकि पी ई अपॉन ई क्यू ये वाली रेखा और ये वाली रेखा है ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, समानुपातिक है, इसीलिए इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों रेखाएं समानुपातिक है, इसलिए इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं कौन सी, ई एफ, ई एफ एक तो ये हुई और दूसरी रेखा इनको जोड़ने वाली कौन सी है, क्यू आर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बीपीटी थ्योरी के अनुसार, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरियम के अनुसार ये जो है दोनों रेखाएं समांतर है, यही इसके अंदर पूछा है, हम दिखा दिया, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।